सर यूरोप का वीजा कैसे लगा? सर यूरोप किस तरीके से गए हैं आप? सर मुझे भी बताएं कि यूरोप कैसे जाना है। ये मैसेजेस हैं तकरीबन पिछले 2 दिन से, जब से मैंने कुछ स्टेटस वगैरह लगाना शुरू किए। मैं इस वक्त एम्स्टरडम में हूँ, नेदरलैंड में, और इंशाल्लाह आई विल बी फ्लाइंग टू द जर्मनी टुडे। और लेकिन मैं पिछले जो जब 2-4 स्टेटस कुछ लगाए तो मेरा सोशल मीडिया, स्पेशली फेसबुक और इंस्टाग्राम, वहाँ पर मैसेजेस ही मैसेजेस आ गए। और सिर्फ लड़कों के नहीं, इसमें कुछ लड़कियों के भी थे। और मैं हैरान हो गया कि वाकई इतनी ज़्यादा डिमांड है, इतना ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं। और अक्सर तो सर आपने एजेंट को कितने पैसे दिए हैं, ये क्वेश्चन इस तरीके से कि सर आपने एजेंट को कैसे पैसे दिए, हमें भी वो एजेंट बताएं या तरीका बताएं। सो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक थोड़ी सी हल्की सी कन्वर्सेशन कर ली जाए ऑफ द टॉपिक जाके। नॉर्मली मैं फाइनेंशियल मार्केट्स, मनी और फंड्स और करेंसीज और क्रिप्टोज और अपना फाइनेंशियल मार्केट्स और स्टॉक्स के मतलब बात करता हूँ, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा एक रैंडमली एक बात की जाए और रैंडम मतलब एक प्ले लिस्ट में डाल दी जाए। सो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्या प्रोसीजर है, कैसे जनरल मतलब लाइक वीज़ा लगता है, क्या प्रोसीजर है इसका, और क्या इजी है क्या मुश्किल है। लेकिन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि शेंगेन जो वीज़ा होता है बेसिकली वो क्या चीज़ है। शेंगेन वीज़ा बेसिकली 28 कंट्रीज़ के, जो अगर आपका शेंगेन वीज़ा लगता है तो ऑटोमेटिकली 28 कंट्रीज़ में आप ट्रैवल, 28 है ये ज़्यादा आई थिंक सो, उनमें आप ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी सेपरेट वीज़ाज के। तो मैं ज़ाती तौर पर मैंने जो अप्लाई किया था वो नैदरलैंड का था। नैदरलैंड वॉज लाइक क्वाइट बेटर बेसिकली मुझे लगा, क्योंकि इनका फास्ट प्रोसेस है, तकरीबन 10-12 दिन के अंदर अंदर ये रिजल्ट दे देते हैं। सो अभी मेरा मतलब लाइक अगर देखा जाए तो मैं नैदरलैंड से फ्लाई कर रहा हूँ जर्मनी। यहाँ वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, पूरे यूरोप में आप ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा, क्योंकि आप किसी भी एक शेंगेन स्टेट ने आपको अगर वीज़ा दिया हो तो। सो बेसिकली इसके प्रोसीजर के ऊपर बात करूँगा कि शेंगेन वीज़ा जो है ना, इसमें मतलब लाइक इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि आपने जाना किस चीज़ के बेस पे है, आपका मेन कोर पर्पज़ क्या है, क्या टूरिज़म है या क्या बिजनेस है या कोई कॉन्फ्रेंस आपको अटेंड करनी है, कोई मीटिंग अटेंड करनी है। तो ये आपको सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ताकि उसी राइट कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करें। तो अप्लाई करने का तरीका वगैरह भी मैं बेसिकली आपको गाइड कर देता हूँ, लेकिन ये है कि ये सारा का सारा पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी चूज होती है। अच्छा, एक इधर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप टूरिज्म, क्योंकि हर कोई बंदा टूरिज्म के ऊपर अप्लाई करता है, जी मैं तो घूमने फिरने जाना चाहता हूँ, मैं तो घूमने फिरने जाके जाना देखूंगा, एक्सप्लोर करूंगा। भाई ये जब आपका वीज़ा के अप्रूवल या बाकी से वो उसमें जाता है, रिक्वेस्ट में जाता है, तो ऑटोमेटिकली हर किसी को पता चलता है कि उसकी प्रोफाइल मतलब अपनी आपकी प्रोफाइल स्टडी की जाती है ऑटोमेटिकली। प्रोफाइल से मुराद आपने आपका पासपोर्ट स्टडी किया जाता है, आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है वहाँ पर। एक बंदा अभी घर से चीचू की मलियाँ से बाहर निकला ही नहीं है अभी तक, और वो बंदा एकदम से यूरोप का वीज़ा लगाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका रिजेक्ट होना ही होना है, ये तो एक कन्फर्म चीज़ है, इसको तो बिल्कुल आप इग्नोर मत करें, ठीक हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि टूरिस्ट और या ट्रैवलर और नॉन ट्रैवलर के अंदर फ़र्क, ऑटोमेटिकली आपका पासपोर्ट बता देता है। अगर आपने कुछ ट्रैवल हिस्ट्री आपकी मौजूद है ऑटोमेटिकली, अगर आपने कुछ ने कंट्रीज़ में ट्रैवल किया, फॉर एग्जांपल यस मलाइशिया हो सकता है, दुबई हो सकता है, बाकू हो सकता है, टर्की हो सकता है, मतलब श्रीलंका हो सकता है, सिंगापुर हो सकता है, थाईलैंड हो सकता है, तो कुछ ना कुछ एक आपका 20-30% पॉजिटिव पॉइंट्स हो जाते हैं कि ऑटोमेटिकली कि यू आर अ ट्रैवलर, आप ट्रैवल गीक हो और आपने ट्रैवल के पर्पज़ से और घूमने के पर्पज़ से ये अप्लाई किया है। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अगर तो आपका बिल्कुल ही ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आई थिंक सो दैट्स नॉट अ राइट चॉइस कि आप डायरेक्टली जो है ना कोई भी शेंगेन स्टेट का जो है ना वीज़ा अप्लाई करो, तो क्योंकि इमीडिएटली कन्फर्म यह है कि आपका वो वीज़ा रिजेक्ट होगा असल में। और बाकी ड्यूरेशन और बाकी सारी चीज़ें उसी के कनेक्शन के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट होती हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि शेंगेन वीज़ा को प्रोसेस करने के लिए क्या 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 प्रोसीजर है, सबसे पहले क्योंकि मैं ये बना रहा हूँ कि मुझे जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान से तो करेंटली जो हालात चल रहे हैं, जो मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन चल रही हैं अप्रॉक्सीमेटली, इतना ईजीली अप्लाई नहीं हो रहा या इतना ईजीली मोस्टली जो है ना अप्रूवल नहीं होते, अनटिल अनलेस आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, अनटिल अनलेस आपकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, और अनटिल अनलेस आप बहुत अच्छे ट्रैवलर हो, अदरवाइज ये नॉर्मली रिजेक्शन तकरीबन पाकिस्तान की, मेरे पिछले दिनों में स्टैट स्टडी कर रहा था, तकरीबन 78% रिजेक्शन केसेस हैं, मतलब 100 में से तकरीबन 78 लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अगर हम बाकी को बात करें तो 22% या
22 लोगों को, उनके पर भी डिपेंड किया जाता है, उनकी उनकी मतलब लाइक बाकी जो शरायत है, मतलब फॉर एग्जांपल उनकी ट्रैवल बैकग्राउंड, उनकी फैमिली बैकग्राउंड और सारी चीज़ों को, और उनकी जो फाइनेंशियल मतलब लाइक फाइनेंशियल उनकी सक्सेस है बेसिकली, उसके ऊपर भी डिपेंड किया जाता है, उनकी एजुकेशन के ऊपर डिपेंड किया जाता है। तो ऑटोमेटिकली ये जो अप्रूवल रेशियो है तकरीबन आज आके 10 से 11% के करीब आता है अप्रूवल पाकिस्तान में। वाइल अगर मैं बात करूँ दुबई के अंदर, तो मल्टीपल कंट्रीज़ के जो जो मतलब फॉर एग्जाम्पल इटली की बात करें तो तकरीबन उसकी रिजेक्शन रेट 36% है, लेकिन यह है कि इटली का मतलब 70+ जो है ना परसेंट तकरीबन, या 68% समथिंग जो है ना, वो तकरीबन उनका अप्रूवल रेट है। थोड़ा सा ज़्यादा इनका है, जर्मनी का थोड़ा सा टफ है, लेकिन वो भी मतलब लाइक तकरीबन 25% तकरीबन रिजेक्शन रेट है। अगर उसके बाद हम बात करते हैं, तो अगर हम नैदरलैंड की बात करें तो तकरीबन ये 3 से 8-10% रिजेक्शन केस है, लेकिन अनटिल अनलेस आपकी इसके से आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो बेहतरीन है और आपका थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक है। तो दुबई में आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए बहुत ईजी मतलब लाइक प्रोसीजर है, कोई इतना लंबा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। बेसिकली आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले VFS जो है, VFS ग्लोबल के नाम से एक इदारा है बेसिकली, जो कि डॉक्यूमेंटेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये डॉक्यूमेंट फिल नहीं करते आपके बिहाफ के ऊपर, ये कोई ट्रैवल एजेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे डॉक्यूमेंट लेते हैं, उनको प्रॉपरली अगर सारे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको पैक करते हैं और एम्बेसी भेज देते हैं, ताकि आप एम्बेसी में रोज खुद ना जाओ, वहाँ उनको तंग ना करो, वो प्रॉपरली ये इनका एक प्रॉक्सी एक सिस्टम है, या बेसिकली एक मल्टीपल एम्बेसीज का मल्टीपल कंट्रीज का जो कि जो है ना अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है डॉक्यूमेंटेशन को सही तरीके से। अगर आपकी स्टेटमेंट प्रॉपरली नहीं है, फॉर एग्जांपल 3 महीने की नहीं है या है ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली VFS ही आपको वापस भेज देगा, रेदर देन कि वहाँ पर एम्बेसीज में हज़ारों एप्लीकेशन हो जिनके अंदर से मतलब हज़ारों ही रिजेक्ट करनी पड़े। तो ऑटोमेटिकली VFS एक जस्ट इदारा है जो कि डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करता है। तो बेसिकली आप उसकी वेबसाइट पर जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नॉर्मली अपॉइंटमेंट जो यूरोप की होती है तकरीबन, अगर मैं बात करूँ, ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, हर कंट्री की अलग अपॉइंटमेंट होती है। अगर इस वीडियो में आप डिमांड करेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट भी या वो वीडियो भी शेयर कर दूंगा बाद में। तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आपको जाना है और VFS की वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट का मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, उसके ऊपर आप जाने के बाद ऑटोमेटिकली आपने करना क्या है कि आप सुकून से जाके अपने एक ID बनाएंगे। ID बनाने के बाद नीदरलैंड की अगर फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो आपको नेक्स्ट अवेलेबल डेट मिल जाएगी, ये अपॉइंटमेंट की डेट होगी। इसी तरीके से टर्की इटली की अलग हो सकती है, मतलब लाइक जर्मनी की अलग हो सकती है, आपकी कोई भी जनरल नॉर्वे कर रहे हैं तो उसकी अलग हो सकती है। तो हर कंट्री की जिस जिस कंट्री से आपने अप्लाई, जिस भी कंट्री से अप्लाई करना है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट होती किस चीज़ के लिए, अपॉइंटमेंट में कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई आगे बैठा हुआ नहीं होगा इंटरव्यू, और आपने सिंपल डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, ये उस चीज़ की अपॉइंटमेंट है। अगर तो आपने पिछले तकरीबन 2-3 साल के अंदर अंदर आपने पहले अपॉइंटमेंट बुक की है और आपने फिंगरप्रिंट दिए हुए हैं, तो हो सकता है आपको फिंगरप्रिंट्स की जरूरत ना पड़े। अदरवाइज अगर आपने पहली बार करना है तो आपको फिंगरप्रिंट भी उसी दिन, अपॉइंटमेंट वाले दिन आपको फिंगरप्रिंट भी देने पड़ेंगे। ये नॉर्मली कॉस्ट जो है इसकी, अगर VFS की अपॉइंटमेंट की बात करें तो तकरीबन मतलब होगी 200 दिरहम के करीब, जो पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं 14-15 हज़ार रुपया, सिर्फ इतनी कॉस्ट बनती है डॉक्यूमेंटेशन की। और अगर आपने जो ना अपॉइंटमेंट बुक कर ली है तो आपने अपॉइंटमेंट वाले दिन से पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स को मोस्टली इंपॉर्टेंटली अगर देखा जाए तो वो आपने रेडी करने हैं। मैं ये वीडियो डेडिकेटेडली दुबई वालों के लिए बना रहा हूँ या जो UAE में रहते हैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए ही मैंने प्रोसीजर शेयर किया। नॉर्मली बाकी तमाम कंट्रीज़ का भी तकरीबन प्रोसीजर ऐसा ही है, UAE से आपको ज़्यादा ज़रा इजीली प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट नॉर्मली 1-1.5 माह के टाइम के ऊपर या 15-20 दिन के टाइम के ऊपर अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट वाले दिन से आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो लेकर जाने हैं, अगर आप वो प्रॉपरली आपने प्रिंटेड हो। और अच्छा, यूरोप की जो वीज़ा के होते हैं उसकी पिक्चर जो आपने चाहिए होती है फिजिकली, वो भी ज़रा आप अपने जो फोटोग्राफर या किसी स्टूडियो में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको बताएं, ताकि वो उसी कंडीशन के हिसाब से बनाएं। ऐसा नहीं है कि मतलब लाइक कोई भी तस्वीर लगा दी और ऑटोमेटिकली आपने उसमें, वो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा उसका जो है ना बैकग्राउंड है उसका थोड़ा सा फेस से क्लोजअप शॉट होता है, तो ऑटोमेटिकली मैं भी हैरान हुआ था कि अच्छा ये डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा क्लोज जो ना शॉट और सिर्फ फेस पे वो मतलब टारगेट रख के किया गया, तो ऑटोमेटिकली वो एक तस्वीर अलग होती है। सबसे पहले तो ये चीज़ चाहिए। उसके अलावा आपको जो मेजर चीज़ है वो ये कि
आपका एक ट्रैवल अटर्नरी पूरी होनी चाहिए कि आपने जब ट्रैवल करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 15 से 30 तारीख ट्रैवल करना है, तो 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक मैंने कहाँ कहाँ जाना है, कौन से एयरपोर्ट से उतरूँगा, कब किधर जाऊँगा, कौन सी ट्रेन लूँगा, ये सारा का सारा, और क्या क्या मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ये एटलीस्ट आपको पता भी होना चाहिए। आपको स्टडी भी करना चाहिए ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप ट्रैवल करने वाले हैं। जब आप ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको कुछ म्यूजियम्स के मतलब पता चलना चाहिए, कुछ आपको जगह मालूम होनी चाहिए, कहाँ मुझे जाना है, किस जगह पे जाना है, कहाँ पर मुझे घूमना फिरना है, कौन सी, तो उस बेस के ऊपर आप एक इटिनरेरी बनाएंगे। डे वन लिखेंगे, साथ डेट लिखेंगे, नीचे वो लिखेंगे इस दिन मैं ये करूँगा, नॉर्मल पिन पॉइंट्स में कर दें बेसिकली, कोई इतनी लंबी कहानियाँ लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे 15 तक आपने इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। ये इटिनरेरी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसके बेस के ऊपर उनको पता चलेगा, जो भी ट्रैवल जो भी वीज़ा ऑफिसर है कि वो एनालाइज करेगा कि आपको कितना पता और आपने कैसे ट्रैवल करना और क्या देखने जा रहे हो। ठीक हो गया, ये चाचा मामा को मिलने जाने वाला फार्मूले ना लगाना, बेसिकली ये ऑटोमेटिकली वहां पर रिजेक्शन होगी। द सेकंड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ट्रैवल इटिनरेरी आपने बुक की है, कोशिश करें कि उसके ऊपर आप नॉर्मली वो जितना भी ट्रैवल टिकट्स हैं वो भी बुक कर लें। मोस्टली जो लोकल दुबई से आपने फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल करना है, तो दुबई से फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ नेदरलैंड, तो नेदरलैंड की टिकट, रिटर्न टिकट आपने बुक कर लेनी है, और नेदरलैंड से अगर आपने जर्मनी जाना है तो वहाँ की भी टिकट आपने बुक करनी है, जर्मनी से अगर आपने इटली जाना है, चाहे वो ट्रेन से जा रहे हैं चाहे वो जहाज से जा रहे हैं, तो उसकी भी टिकट बुक कर लेनी है। नॉर्मली $100 की होती है, ये बुक करनी है। ये बुक करने के लिए आपको ट्रैवल एजेंट काफ़ी आपकी मदद कर सकते हैं नॉर्मली, बहुत नॉमिनल केसेस के अंदर। मैं आई एम नॉट सेइंग कि उसमें आपको पूरा पे कर देना, पे भी कर सकते हैं, पे करेंगे तो ज्यादा मजीद पॉजिटिव हो जाएगा। नॉर्मली रिफंडेबल होता है, रिटर्न होता है, तमाम टिकट्स हो जाती हैं इजीली, एंड ठीक है रिटर्नेबल। सॉरी, मेरा यहाँ पर मौसम काफ़ी तकरीबन सर्दी 3 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है, और मैं एकदम से 30 से 3 पे आया हूँ, तो थोड़ा सा गला खराब हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने मतलब आप जर्मनी से अगर आप इटली जा रहे हैं तो इटली की टिकट, अगर आपने इटली से अगर आपने पेरिस जाना है तो पेरिस की टिकट जो है ना तकरीबन $100 या उससे भी कम पड़ेगी, 100 यूरो समथिंग की, जो कि ट्रेन से भी आप जा सकते हैं। पेरिस से अगर आपने जाना बार्सिलोना जाना है फॉर एग्जाम्पल स्पेन, तो ऑटोमेटिकली उसकी भी टिकट, तो ये तमाम जो टिकट जो है ना बेसिकली ये भी कंपाइल करें, ये आपकी फाइल का हिस्सा होंगे बेसिकली, और ये भी आप लगाएंगे। तो आपने क्या किया अभी तक, आपने ट्रैवल इटिनरेरी बना दी, उसी के मुताबिक आपने अपने जितनी भी जो है ना मतलब लाइक फ्लाइट थी उनको कंफर्म किया। फ्लाइट्स को कंफर्म करने के बाद, जो कि बुक करना बेसिकली, उसके बाद आपने कंफर्म करने के बाद तीसरी जो मेजर चीज की वो है कि जहां जहां आपने रहना है वहां वहां होटल आपने बुक करना है। होटल की प्रॉब्लम नहीं है, इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत। नॉर्मली आप booking.com पे जाके, अगोड़ा के ऊपर जाके नॉर्मली बगैर वो वाले भी कर सकते हो नॉर्मली, जिनके ऊपर क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड नहीं है, या क्रेडिट कार्ड वाले भी कर ले तो, क्योंकि आपने टाइम काफी लंबा होता है तो आपका कैंसिलेशन फ्री हो जाती है मोस्टली सभी होटल की, क्योंकि मिनिमम 24 to 48 आवर्स का वो टाइम देते हैं कि ऑटोमेटिकली इस दौरान में आप मतलब लाइक कैंसिल कर सकते हैं, मतलब लाइक विदाउट एनी कैंसिलेशन चार्जेस। सो होटल बुकिंग कर लें, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा आप अपने बैंक से ऑथेंटिकेटेड बैंक स्टेटमेंट निकलवा लें, क्योंकि नॉर्मली एमिरेट्स एनबडी या मशरक बैंक या किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है जिसके अंदर, तो आप वहाँ जाएँ और वहाँ की स्टेटमेंट निकाल लें। स्टेटमेंट मैं इसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि आपकी आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। अगर तो आपकी मैनेजरियल लेवल पर वीज़ा है, कोई अच्छा वीज़ा है जिसके अंदर आप जॉब कर रहे हैं और कोई अच्छी कैटेगरी पर कर रहे हैं, ये ना हो कि लेबर वाला वीज़ा, नॉर्मली कोई वीज़ा अच्छी कैटेगरी का होना चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल आईटी स्पेशलिस्ट है या सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर है, मार्केटिंग मैनेजर है, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है, या अगर मेरी तरह इन्वेस्टर वीज़ा या इस तरह का वीज़ा है, ठीक है। अगर ये वीज़ा की कैटेगरी भी डिपेंड करती है ऑटोमेटिकली, अब इलेक्ट्रिशियन का जो है ना ऑटोमेटिकली वो फिर उसके ऊपर डिपेंडेंसी डिफरेंट होगी, ठीक है। अब उसके ऊपर आपने वीज़ा कैटेगरी के साथ ही आपने बैंक स्टेटमेंट है, तो बैंक स्टेटमेंट में मैं पहले जॉब वालों के लिए बताऊंगा कि जॉब वालों ने कैसे हासिल करना है। जॉब वालों ने हासिल ऐसे करना है कि उनके उनकी मिनिमम तकरीबन सैलरी, ये कोई उनकी तरफ से रिटर्न टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि इतनी सैलरी होनी चाहिए, 4,000 दिरहम वालों को भी मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये डिपेंड करता है मेरी तरफ से जो जस्ट सेफ जो रिक्वायरमेंट है, ये मैंने टोटल मैंने अपना वीज़ा खुद प्रोसेस किया ना, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी अपनी स्टडीज़ है वो ये कहती है कि ऑटोमेटिकली मिनिमम आपकी 8 से 10 हज़ार दिरहम सैलरी होनी चाहिए। 8 से 10 हज़ार दिरहम अगर आपकी सैलरी होती है मंथली, तो ऑटोमेटिकली आपको वीज़ा मिलने के पॉजिटिव चांसेस ज़्यादा हैं, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा इसका, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप तकरीबन $2,000+ मंथली कमा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली इधर भी यही हालात है, ठीक है, 2,000, 2,500, $3,000 आ जाके इनको बचते, तो ऑटोमेटिकली दे नो दैट
दैट एटलीस्ट ही इज लिटिल बिट वर्किंग एज अ सेटिस्फैक्ट्री लेवल, तो मुझे लगता है कि वो बेहतरीन होगा। इसके बाद अगर हम बात करें मतलब फाइनेंशियल जनरल में आपका, अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपका पार्टनर वीजा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा मिनिमम आपके जो अकाउंट में कैपिटल मौजूद होना चाहिए, पिछले 3 माह की स्टेटमेंट इनको चाहिए होती है, नॉर्मली आप 6 महीने की भी लगा सकते हैं, लेकिन VFS वाले ही रिमूव करके 3 माह कर देंगे, तो ये बहुत ईजी है कि आप 3 माह की बैंक स्टेटमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो नॉर्मली इसकी जो अगर आपको बात करूँ स्टेटमेंट, तो तकरीबन 20,000 से 22,000 दिरहम मिनिमम एटलीस्ट आपके अकाउंट में होना चाहिए पिछले 3 माह से। और सिर्फ ये नहीं है इधर से पकड़ के उधर से पकड़ के डाल दिया अकाउंट में, नहीं ऐसा नहीं है, आप अकाउंट में रखो, नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स वगैरह भी करो, जैसा मेरा मंथली क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन जो होती हैं या जो मेरी बैंक की ट्रांजेक्शन होती हैं वो डिपेंड करता है, 30-40 हज़ार दिरहम से ज़्यादा होती हैं, ये पर्सनल अकाउंट की बात करता हूँ, ये डिपेंड करता है। इसी तरीके से आपकी ट्रांजेक्शन, मैं ये नहीं कहूँगा 30-40 हज़ार दिरहम होने चाहिए, लेकिन कोई 2-4-5 हज़ार आप स्पेंड भी करते हो, कहीं निकालते भी हो, कुछ भी नहीं होता तो ATM से विड्रॉ करके दोबारा फिर डाल देना किसी ना किसी तरीके से इकट्ठे करके थोड़े थोड़े करके, तो लेकिन एटलीस्ट मिनिमम जो बैलेंस है वो 20,000 से 25,000 दिरहम के करीब होना चाहिए, जो कि एक नॉमिनल अमाउंट है, एक नॉर्मल अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 7-8 हज़ार 6-7 हज़ार यूरो या डॉलर के करीब मिनिमम होनी चाहिए। अच्छा, ये आपकी मिनिमम बैंक बैलेंस आपका हो गया। अगर आप जॉब वाले थे तो ऑटोमेटिकली आपकी हर मंथ आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए, 10,000 दिरहम सैलरी है तो 10,000 दिरहम मिनिमम आपके टाइम के ऊपर आपके ऊपर बैंक अकाउंट में आए, उसमें से कुछ आपकी सेविंग में मौजूद हो और कुछ पहले से सेविंग में मौजूद हो, 3 महीने की स्टेटमेंट में एटलीस्ट 10-12 हज़ार 8-10 हज़ार सेविंग पड़ी हो पहले से और बाकी आपकी सैलरी आ रही हो, तो ऑटोमेटिकली ये आपको पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा केस कर देगा। तो बैंक स्टेटमेंट की भी बात होगी पूरी, तकरीबन बैंक स्टेटमेंट आप ऑथेंटिकेटर ले सकते हैं, आप नॉर्मली जब भी बैंक में जाएंगे रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे नॉर्मली और उसी टाइम वो निकाल के आपको स्टैम्प करके दे देंगे, तो ये आपका वीज़ा के लिए तीसरा जो मेजर जो है, अगर बात करें ट्रैवल का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बैंक स्टेटमेंट आपको वैल्यूएशन के लिए उनको प्रोसेस मतलब करेगी, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो हो गई। साथ में आपने अपनी एक कवर लेटर लगाना है, कवर लेटर एक जस्ट लेटर जैसे आपने बचपन में नहीं वो 9th-10th में आपने पढ़ा होगा कि एप्लीकेशन लिखनी है, इसमें एप्लीकेशन ही लिखनी बस लिखना है कि आई वांट टू अप्लाई टू द, मैं उसका कहेंगे तो मैं सैंपल लगा दूंगा, मतलब लाइक मैंने ये देखना है, मेरा ख्वाहिश है कि मैं देखूं मैंने पहले इन कंट्रीज़ में जिन्होंने ट्रैवल किया है, तो ये चीज़। अच्छा, एक VFS की फॉर्म पेज से ही वेबसाइट से ही आपको एप्लीकेशन मिलेगी, उस एप्लीकेशन को फिल करना है ऑटोमेटिकली, और एप्लीकेशन बहुत ईजी है, लेकिन ये है कि अगर आप राइट तरीके से राइट चीज़, मैं कहूँगा कि ऑनेस्ट रहें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑनेस्ट रहें, जब आप ऑनेस्ट रहेंगे तो ऑटोमेटिकली तमाम बातें आप डिटेल में उनके साथ शेयर कर सकेंगे, या इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा कहानियाँ ना डालना, कहानियाँ करने की जरूरत नहीं है, सीधी बात करें, सीधा सीधा तरीके से करें, और ऑटोमेटिकली आप वीज़ा एप्लीकेशन अपने अटैच करनी है। इसके अलावा जितने भी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स से मुराद ये है कि आप एमिरेट्स ID की स्क्रीनशॉट लगा दें, आप अपने पास स्क्रीनशॉट से मुराद आपकी पिक्चर जो है प्रॉपर्ली स्कैन करके लगा दें, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज आपने जो है जिस पे साइन होता है वो वाला आपने लगा देना है, वो मतलब 300 DPI फ़ोन से वो स्कैन ना कीजिएगा, 300 DPI के ऊपर प्रॉपर्ली स्कैन करके उसके ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या हो सकता है कि अगर आपका कोई बड़ा वीज़ा पहले लगा हुआ है जैसे अमेरिका, कनाडा या किसी भी ऐसी कंट्री का, तो वो लगा सकते हैं, अगर वो नहीं लगा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आपने कोशिश करना है कि जितनी भी आप मतलब लाइक एक जितना भी आपने ट्रैवल किया अगर उसकी जो है थोड़ी सी हिस्ट्री एक पेज पे डिपेंड करते हैं, मैंने इस कंट्री में गया हूँ, तो वो लगा दें ऑटोमेटिकली। अगर आप जॉब करते हैं तो आप कंपनी की तरफ से NOC लगाएंगे और कंपनी का लेटर लगा देंगे, NOC का टेक्निकली कि मुझे कंपनी अथोराइज कर रही है कि मुझे ट्रैवल करना है, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आप प्रॉपरली एक NOC कुछ भी नहीं होता, एक लेटर होता है उनके लेटर हेड के ऊपर कि हम इस एम्प्लॉय को छुट्टियों के ऊपर जाने के लिए इजाज़त दे रहे हैं। लॉजिकली अगर आप मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेसमैन हैं या पार्टनर हैं या इन्वेस्टर हैं इन एनी कंपनी, तो ऑटोमेटिकली आपको फिर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जिसमें ट्रेड लाइसेंस है, प्रोफेशनल लाइसेंस है, और MOA भी लगा सकते हैं, मतलब जो मेजर चीज़ें जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट कार्ड भी लगा सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप अपनी कंपनी के मतलब क्या डिटेल लगाते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपके केस को ज़्यादा मजबूत करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली मेरे नहीं ख्याल कि कोई इतना ज़्यादा मजीद टेक्निकल चीज़ें हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपने अपॉइंटमेंट खुद भी बुक की, अपनी एप्लीकेशन खुद फॉर्म फिल किया, ऑटोमेटिकली किसी एजेंट को पैसे नहीं दिए अभी तक, 15,000 रुपये कभी या 200 दिरहम कभी टोटल खर्चा नहीं आया होगा, सुकून से आप जन्म ना बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप मतलब लाइक बनाएं, और मेरा जो रिकमेंडेशन है कि मिनिमम 2 महीने पहले आप अप्लाई करें, नेदरलैंड के वीज़ा के लिए 6 महीने पहले आप अप्लाई कर सकते होते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है, तो मिनिमम 2 से 3 महीने
महीने पहले अप्लाई करें एटलीस्ट, उसका तरीका उसका फ़ायदा ये हो जाएगा आपको कि आपकी जो टिकट्स होगी, अगर फॉर एग्जांपल जनरल टिकट्स वगैरह वो एक तो सस्ती मिल जाएंगी, दूसरी चीज़ यह है कि आप वो फ्री रिफंडेबल होंगी ऑटोमेटिकली, आपके पास इनफ टाइम होगा रिफंड करने का, अगर किसी भी सूरत में ऑटोमेटिकली आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा उसका, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपके लिए होगी, एक सारी चीज़ें जनरना। तो मिनिमम अपॉइंटमेंट जो है वो कम से कम 15 से 20 दिन का मिनिमम मतलब एक शेड्यूल मिलता है, नॉर्मली 30 दिन, एक माह तो नॉर्मल, बेसिकली एक माह 10 दिन तो नॉर्मल चीज़ होती है। जिस दिन आप अप्लाई करने जाते हैं आप अपॉइंटमेंट वाले टाइम के ऊपर प्रॉपरली पहुँचे हैं, प्रॉपरली सारी चीज़ डॉक्यूमेंट्स को ये स्टेपल करने की जरूरत नहीं है, क्लियरली मेंशन होता है, तो आपने स्टेपल किए बगैर आपने नॉर्मली लेके जाने हैं, वो VFS ऑफिसर जो होंगे वो वहाँ पर वो प्रॉपरली क्या करेंगे, वो प्रॉपर आपकी फाइल को डायरेक्टली वो अपनी तरतीब से डाल के ऑटोमेटिकली एक फोल्डर बना देंगे, साथ ही आपको मतलब पासपोर्ट भी जनरना वो अटैच कर पकड़ लेंगे, आपसे पासपोर्ट ही ले लेंगे, पासपोर्ट आपका जमा हो जाएगा, टेक्निकली पासपोर्ट साथ ही जमा होगा, अगर आपका बायोमेट्रिक नहीं हुआ तो आपको एक और टोकन दे देंगे कि बायोमेट्रिक करा लें, साथ ही आपको इनवाइस क्लियर होगी वीज़ा की, वो तकरीबन 300 यूरो के करीब, सॉरी 300 दिरहम के करीब करीब, जो कि तकरीबन वही 20-22 हज़ार रुपया बनता है ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मली, वो अपने फीस पे करनी है वीज़ा के लिए, जो कि नीदरलैंड की वीज़ा है तो या कोई भी उनकी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली फीस सेम है, वो फीस उधर ही आपने VFS को ही पे करनी ऑटोमेटिकली, तो आपका वो आपका साथ ही फिंगरप्रिंट आपने देने के बाद आपने अप्लाई करके छोड़ देना है। मैं ज़ाती तौर पर जो मेरी रिकमेंडेशन है इसको, ये एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मली 10 से 12 मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है। आप VFS ऑफिसर आपसे पूछेगा कि आपने पासपोर्ट आपको कोरियर में चाहिए या आप यहाँ से कलेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप वहाँ से कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली वहाँ से जाके कलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप वहाँ से नहीं कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उन्हें अपना एड्रेस दे सकते हैं और आपको वो टेक्निकली दुबई में या अबू धाबी में या लैन में या जहाँ पर भी हो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली वो डिस्पैच कर दिया जाएगा, RMX से डिस्पैच हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपको पासपोर्ट का कोरियर के थ्रू मिल जाएगा और तब आप जब खोलेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा वीज़ा लगा होगा कि नहीं लगा होगा। नॉर्मली आजकल बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये चीज़ है। मेरी ज़ाती तौर पे जो रिकमेंडेशन हैं अगर मैं वो बात करूँ तो अपने सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये कि मिनिमम 15 से 30 दिन का जो है ना एम्बेसी टाइम लेती है, तो इस दौरान में आपका कोई ट्रैवल किसी और कंट्री का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके पासपोर्ट तो उधर जमा होगा और इन द केस ऑफ एमरजेंसी भी आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। सेकेंड जो मेजर इंपॉर्टेंट जो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा वो मिनिमम एटलीस्ट 3 माह पहले प्लान करें, 3 माह पहले अपॉइंटमेंट वगैरह था कि आपका वीज़ा 3 माह पहले से लगाओ, और अगर आपने टिकट जो है डमी टिकट्स भी की थी या किसी एजेंट के थ्रू कह के डमी बुकिंग्स भी की थी कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूँ डमी का मतलब यह है कि आप जस्ट बुकिंग जो थी तो एटलीस्ट आप कैंसिल करके सही वाले अपॉइंटमेंट सही वाला प्रॉपरली आप सेट कर सके अपने ट्रैवल अटॉर्नी, तो ये चीज़ जो ना मेरी एक नेक्स्ट रिकमेंडेशन जो मेजर थी। बाकी मैं जो मेजर अगर चीज़ देखूँगा बताऊँगा कि आपको एक ज़ाती तौर पर अपना पर्सनल जो ना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि आप झूठ मत बोलें, किसी किस्म के लंबी कहानियाँ छोड़ने की जरूरत नहीं, हकीकत के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हकीकत क्लियरली उनके साथ रहें, ऑनेस्ट रहें, जब तक आप ऑनेस्ट रहेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे ऑटोमेटिकली आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ऑनेस्टली सारे आंसर्स के जवाब दें, अगर आपने कुछ भी जनरल मतलब लाइक वो एप्लीकेशन में क्लियरली एक्सप्लेन करें, लाजमी नहीं है कि आप झूठ के साथ लंबे लंबे आप यहाँ पर घर में जनरल खाने को जनरल दाने नहीं है और वहाँ पर आप मलक रियाज के जनरल भतीजे बनते हैं, तो ऐसी जरूरत नहीं है जनरल, सीधी सीधी हकीकत बात करना और रियलिटी के ऊपर जनरल हकीकत रखिएगा बेसिकली। सेकेंड जो मेजर जो मैं रिकमेंडेशन करूँगा वो ये है कि आपका जो डिटेल रीज़न है उसको एटलीस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए प्रॉपरली, वो मतलब लाइक क्लियरली एटलीस्ट जो एक्सप्लेन अपने एक्सप्लेन करना है प्रॉपरली, और वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं बात करता हूँ, शॉर्ट करता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, शॉर्ट ये करता हूँ कि ज़्यादातर रिजेक्शन की वजह क्या हो सकती है जो मैंने स्टडी की है, या मोस्टली एक तो ये है कि आपने एप्लीकेशन प्रॉपरली फिल ना की हो, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एप्लीकेशन जब आपने प्रॉपरली फिल नहीं की होती उसमें काफ़ी चीज़ें मिस की होती हैं या अनप्रोफेशनल तरीके से की होती है, तो उसके ऊपर भी एक प्रॉब्लम आता है और वो नॉर्मली आपकी रिजेक्ट हो सकता है। दूसरी जो मेजर वजह यह है कि आपने ट्रैवल अटॉर्नी में झूठ बोला हुआ है, झूठ से मुराद ये है कि आपको आप उनको महसूस होता है कि आपको प्रॉपरली नॉलेज नहीं है और आपने और आपकी मतलब किसी भी तरीके से आपने बस कहानियाँ इंटरनेट से डाउनलोड करके ट्रैवल लेटर नहीं बना दिया, तो ये भी रिजेक्शन की एक वजह हो सकती है। तीसरी ये है कि उनको फील होता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में जो पेमेंट थी वो आपकी अपनी नहीं है क्योंकि आपने सिर्फ डाल के रखी हुई थी, तो ऐसा ऐसी सूरत में भी आप नॉर्मली क्या होता है कि आपका वीज़ा रिजेक्शन करने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके
बाद अगर मैं अगली अगली वजह बताऊं, वो मेजर जो वजह अगर मैं बात करूं, ये कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री प्रॉपर लेनी है, ट्रैवल हिस्ट्री प्रॉपर नहीं है, जीरो ट्रैवल हिस्ट्री है ऑटोमेटिकली, आपने कोई सिर्फ घर से दुबई आए हैं, दुबई से घर गए हैं और अगर इस बेस के ऊपर सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, तो दिस दुबई की ट्रैवल हिस्ट्री को ट्रैवल हिस्ट्री मत समझिएगा बेसिकली। इसके अलावा कंट्रीज़ की जो है वो मैटर करेगी साथ में, अगर आप दुबई रहते हैं, और यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक सो ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इस बेस के ऊपर भी रिजेक्शन ज़्यादा होती है। अगर प्रीवियसली आपका वीज़ा कहीं आपने अप्लाई किया था किसी लोकल लेवल के एजेंट के थ्रू और वहाँ पर रिजेक्शन हुई है, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, वो भी वजह बन सकती है उसके ऊपर। इसके अलावा आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जो जो मैंने सबसे पहले बोला कि डॉक्यूमेंटेशन आपने प्रॉपरली फिल नहीं की, अपनी एप्लीकेशन प्रॉपरली इनकम्प्लीट है, या बाकी कोई और वजह है जो कि आपका पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिकली तो ये सारी वजूहत रिजेक्शन की वजह बन सकती हैं। बाकी आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब लाइक लीस्ट जो चीज़, लेकिन ये कि इंपॉर्टेंट भी है, वो आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है ना वो कैसा है। जो मैंने आपको बोला मिनिमम डिपॉजिट आपका एटलीस्ट एज इन्वेस्टर 20-25 हज़ार दिरहम मिनिमम पड़ा होना चाहिए, एज अ जॉब एम्प्लॉयज एटलीस्ट आपकी 10-12 हज़ार दिरहम सैलरी में से सेविंग पहले से पड़ी हो, 3 महीने की स्टेटमेंट स्टार्ट होने से पहले, और उसके बाद एटलीस्ट आपका जो है ना मंथली 10 हज़ार दिरहम की सैलरी आती हो हर महीने टाइम के ऊपर, तो ये भी आपका एक रीज़न हो सकता है वीजीली वीज़ा लगने। अदरवाइज अगर ये फाइनेंशियली मतलब आप प्रॉपरली नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर भी रिजेक्शन के हो सकते हैं। दूसरा ये है कि आप लेट जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वैसे नॉर्मली लेट जाते हैं वीएफएस में या अपॉइंटमेंट के टाइम पे प्रॉपर, तो वीएफएस ही आपको जाना कर देता है, लेकिन ये भी एक रिजेक्शन की वजह हो सकती है। मैं मतलब लाइक वीज़ा असिस्टेंस जो है ना अगर देखूँ, गाइड करूँ अगर आपको, तो ये मेरा बेसिक एक्सपीरियंस था, इट वॉज़ वेरी ईजी। किसी ट्रैवल एजेंट को देने की जरूरत नहीं है, लाखों हज़ारों रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। मैंने देखा पाकिस्तान में स्पेशली जो है ना 20-25 लाख रुपया लेकर आ रहे हैं, और वो मैं डन वीज़ा के ऊपर जो है ना उसका फार्मूला मैं आपके साथ बिजनेस प्लान जो है ना शेयर करूँगा इंशाल्लाह जल्दी, अगर आपने इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दिया तो, मैं कैसे ये चलते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट कैसे चलते हैं। लेकिन किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं बल्कि मैं अपने इलाके या अपने वो जो वो मतलब जहाँ से मेरा आबाई बैकग्राउंड है, मैं मंडीवालदीन गुजरात के एरिया से रहता हूँ, तो वहाँ से अगर ताल्लुक किया जाए वहाँ पर, तो ये गुजरात या गुजरांवाला सियालकोट ये सारे लोग जो है ना डंकी वाले मशहूर हैं, सरगोदा मंडीवालदीन, ये लोग आधे हर घर में से तकरीबन एक बंदा यूरोप भी है, लेकिन ये सारे समंदरों के रास्ते पहुँचने वाले लोग हैं। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि यार उनको समझना चाहिए कि आप अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही है, आपको प्रॉपरली अपने तरीकों को फॉलो किया कि किसी को 50-30 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है, 40 लाख देने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली ट्रैवल कर सकते हो और नॉर्मली जा सकते हो, सिर्फ अपने आप को बेहतर कर ले, अपनी एजुकेशन को बेहतर कर ले, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं ये चाहूँगा। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में कोई गलत ख्याल आ भी रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि उनको निकाल दें, आपका वीज़ा लगाएं, आप वीज़ा लगाएं, सुकून से जाएँ और वापस आएँ, ये ना कहें इससे मुल्क का बदनामी भी होगी, ऑटोमेटिकली आपकी भी बदनामी होती है। हाँ, उसके बाद आपका वापस आने के बाद दोबारा अपॉइंटमेंट ले लें और दोबारा अप्लाई करते हैं, मोस्ट प्रॉबेबली चांसेस ये होंगे कि आपको मल्टीपल वीज़ा मिल जाएगा। अगर मल्टीपल इंट्री वीज़ा मिल जाएगा और 1-2 साल की वैलिडिटी के साथ, फिर दोबारा चले जाओ, फिर अपने काम की जुगाड़ लगा लेना जो तरीके आपको मिलते हो, नहीं तो नहीं मिलेगा तो वापस आके दोबारा चले जाना। सो मैं नहीं कहूँगा कि पहले वीज़ा में ही आपको मिलते ही आपको जुगाड़ लगाओ और किसी किस्म के फार्मूले लगाओ, हमारे शॉर्टकट लेने वाले बहुत ज़्यादा फार्मूले लेने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा ऑटोमेटिकली कि इस तरीके से कर रहे। अगर आपको भी फॉर एग्जाम्पल आपको वीज़ा प्रोसेस करना है या किसी भी तरीके से आपको जाना खुद प्रोसेस करना है, और आप अगर दुबई में रह रहे हैं या अगर पाकिस्तान में भी रह रहे हैं और आप दुबई से कर सकते हैं या दुबई में आके अपने मतलब करना चाहते हैं, तो बहुत ईजी है ये, बहुत तरीके से। मैं ज़ाती तौर पर ये क्या काम करूँगा कि मैं अपने असिस्टेंट को मैं एक काम करता हूँ कि मैं नीचे इस में टेलीग्राम आईडी शेयर कर दूंगा या व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पर रब्ता करके ऑटोमेटिकली भी उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो वो थोड़ी सी बेसिक सर्विसेज आपको प्रोवाइड भी कर देंगे, एप्लीकेशन और ये सारा कुछ वो खुद फिल करके दे देंगे। ये मैं अपनी असिस्टेंट को जो है ना बेसिकली कनेक्ट कर दूंगा, बेसिकली आप उसके कर लीजिएगा, क्योंकि शी वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी एज वेल, बट ये कि वो इट्स जस्ट लाइक अगर कोई थोड़ी सी बेसिकली अगर देखा जाए तो वो आपको गाइड कर देंगे, लेकिन ये कि दिस इज नॉट अ जॉब फॉर मी, ये कोई प्रॉपरली वर्क की मैं आपको वीडियो नहीं बना रहा या ना ही मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको असिस्टेंस की जरूरत होगी तो ऑटोमेटिकली वी विल बी प्रोवाइडिंग यू। आप या नीचे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा अपना नंबर, तो मैं उन्हें कनेक्ट कर दूंगा, ऑटोमेटिकली वो आपसे रब्ता कर लेंगे। सो ये चीज़ें हैं, हम आपको प्रॉपरली मैं ज़ाती तौर पे तो शायद गाइड ना कर सकूँ, तो लेकिन ये कि वो डॉक्यूमेंटेशन के जो प्रोसेस है वो आपको गाइड कर देंगे, अपॉइंटमेंट बुकिंग भी कर लेंगे आपके बिहाफ के ऊपर, सारा का सारा प्रोसेस करके, टिकट्स भी, डमी टिकट्स भी और वो होटल भी सारा कुछ आपको बुक करके आपके लिए, आप रिलैक्स होकर सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करेंगे। लेकिन पासपोर्ट जो है उसका देखने के बाद अगर आप वो अगर रिजेक्शन के चांसेज होंगे तो ऑटोमेटिकली खुद ही बता देंगे कि नॉर्मली ये रिजेक्शन के चांसेज हैं। ये दिस वीडियो वॉज नॉट फॉर द मार्केटिंग पर्पज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ट्रैवल या उसके ऊपर बनाऊंगा, लेकिन ये कि आई फील कि मुझे इतना ज़्यादा रिकमेंडेशन, इतनी ज़्यादा मैसेजेस आए, इतनी
ज़्यादा क्वेश्चन आए तो मुझे लगा कि इट्स अ गुड टॉपिक, सो लेट मी टॉक ऑन दैट. बेसिकली एटलीस्ट आई कैन आंसर द फ्यू पीपल, उनको प्रॉपरली क्वेश्चन दे सकता हूँ. अगर आपको मतलब लाइक मुझे किसी भी जगह पर ट्रैवल करना है तो मुझे लगता है कि नैदरलैंड इज़ अ बेस्ट चॉइस. बेसिकली वहाँ पर वीज़ा भी ईजिली लगेगा, प्रोसेस टाइम भी बहुत कम है. स्पेन का प्रोसेस टाइम तकरीबन 3-3 माह का है, इटली का भी 3-3 माह, 2-2 माह ले ले जाते हैं. जर्मनी का भी 3-3 माह का है. ऑटोमेटिकली काफ़ी लंबा वेट करना पड़ता है, वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी है. इसके अलावा आपको काफ़ी ज़्यादा, इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड का भी ऐसे ही है, अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी टाइम लगता है और रिजेक्शन केसेज ज़्यादा है. नैदरलैंड के रिजेक्शन केसेज कम है और नॉर्मली फास्ट भी 10-12 दिन के अंदर अंदर क्लियर हो जाता है. अगर आपको किसी किस्म का भी मजीद कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट में कीजिएगा, मैं मुझे लगा तो मैं ऑटोमेटिकली उसके ऊपर डिटेल में आंसर दे दूंगा. मेरी मोस्टली वीडियोज़ जो है ना 20-25 मिनट के ऊपर चली जाती हैं. मैं कोशिश करता हूँ दिल से डिटेल में बात करूँ, ज़्यादा ग्राफिक्स को डाले बगैर. और होपफुली आपको पसंद आई होगी वीडियो. अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. और अगर आपका वीज़ा लग गया हो या हमारे असिस्टेंस की वजह से या मैं जो जिनका कनेक्शन नीचे नंबर दे दूंगा ऑटोमेटिकली उनकी वजह से मिला, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा. स्पेशली बताइएगा कि तरीका बहुत ईजीली है. होपफुली अगर इसमें इस वीडियो के रिस्पॉन्स के ऊपर मैं कोशिश करूँगा फर्दर आपको मजीद भी डिटेल दे सकूँ. सो होपफुली आपको मज़ा आया होगा, आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी. अगर आपको मजीद कोई क्वेश्चन है तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट में लिखें और ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसके ऊपर प्रॉपरली एक और वीडियो बना दूं या इसके ज़्यादा और वीडियो बना दूं, आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहेंगे करिएगा जो लोग स्पेशली सोच रहे हैं यूरोप ट्रैवल करने के लिए, यूरोप ट्रैवल करना चाहते हैं. ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से एक आम इंसान की तरह बगैर ट्रैवल एजेंट बने जिन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है. उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी. कोई भी चीज़ जो है ना बुरी लगी हो कि उसके लिए माजरत. अगर कोई चीज़ जो है ना आप इसलाह करना चाहते हैं तो आप इसलाह कर दीजिएगा कमेंट में ताकि मैं उसको बेहतर कर सकूँ. आई एम नॉट अ ट्रैवल एजेंट, आई एम नॉट अ मतलब लाइक कोई वीज़ा ऑफिसर नहीं हूँ या कुछ भी जो आपको प्रॉपरली लेकर. मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. उम्मीद है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिली होगी, काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ होगा. होपफुली हम अगली वीडियो में बात करेंगे और उम्मीद है कि आपके ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छे आने के ऊपर मैं इसी टॉपिक पर दोबारा वीडियो बनाऊंगा. स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें, आबाद रहें. मिलते हैं अगली वीडियो में.